हर व्यक्ति के अंदर एक छोटा सा प्रकाश है जो जीवन को रास्ता बताने में मदद करता है। व्यक्ति अपने को भूल और परमपिता परमात्मा को भूलकर सही मार्ग को छोड़कर और गलत मार्ग पकड़कर दरदरें ठोकरें खाता है। जैसे मेरे जीवन ने सही मार्ग को छोड़कर और गलत मार्ग पकड़कर जो 14 वर्ष चंबल घाटी में विख्यात डाकू बना, भारत विख्यात डाकू बना, मुझे मारने पकड़ने के लिए सरकार ने आज से 45 वर्ष पहले 1 करोड़ का इनाम भी रखा था। हमारे गिरोह में 550 डाकू थे। और आप लोग जो फिल्म देखते हो, इस प्रकार के डाकू नहीं होते हैं। डाकुओं का भी एक नियम कायदा एक संविधान होता है। एक तो डाकुओं में एकता होती है, दूसरी तरफ डाकू जो होते हैं वो चरित्रवान होते हैं, और तीसरी तरफ जो आप लोग जो डाकुओं की फिल्म देखते हो, घोड़ा वगैरह देखते हो, किसी डाकुओं के पास घोड़ा नहीं होते हैं। फिल्म एक्टर तो जो फालतू गंदी झूठी साँची फिल्म बनाते हैं जिसमें जरा भी डाकुओं की सत्य कहानी नहीं होती है। डाकुओं में एकता होती है, दूसरी तरफ डाकू चरित्रवान होते हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी माँ बहन को बुरी निगाह से भी नहीं देखा होगा। एक बार मेरा साथी एक किसान की लड़की के साथ कुछ अन्याय अत्याचार करके आया। हम लोगों ने उसको बंदूक लेकर के वृक्ष से बांध के जिंदाई जला दिया था। तीसरी तरफ डाकुओं में एकता होती है जो आज समाज और सरकार के बीच में दिखाई नहीं दे रही है। एकता के बल पर हम लोगों ने 550 डाकुओं ने भारत सरकार को भी हिला दिया था। और जो है हम लोग डाकू लोग जो होते हैं वो गरीबों से अमीरों से लेकर के गरीबों को देते हैं। 550 डाकुओं ने करोड़ों रुपया कमाया होगा लेकिन किसी डाकू के पास कोठी नहीं होगी। जो आज थोड़े दिन में ही धर्म सत्ता को लेकर के राज सत्ता को लेकर के धनवान बन जाते हैं, कई कोठी बनवा लेते हैं, लेकिन डाकुओं के पास एक भी कोठी नहीं होगी। ये भी मैंने आज मेरी उम्र करीबन 87 वर्ष की होने जा रही है। 87 वर्ष की उम्र में मैंने डाकू सत्ता देखी, राज सत्ता देखी और धर्म सत्ता को भी देख रहा हूँ, क्योंकि परिस्थितियाँ इंसान को इस प्रकार से नचाती जैसे बंदर को मंदारी नचाता है। और परिस्थितियाँ किसी को नहीं छोड़ती हैं, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, चाहे साधु हो चाहे सन्यासी हो, परिस्थितियाँ आना हर व्यक्ति के सामने एक प्रकृति का नियम है। लेकिन जो परिस्थितियाँ आती हैं, मैं अपने 87 वर्ष की उम्र का अनुभव सुना रहे हैं, जो परिस्थितियाँ आती हैं इंसान को आगे बढ़ाने के लिए आती हैं, अनुभवी बनाने के लिए आती हैं। और परिस्थितियों की बनती कहानी, अगर राम के सामने परिस्थिति नहीं आती तो रामायण भी नहीं लिखी जाती। मीराबाई देखो, कई महान पुरुषों को देखो, लेकिन कहानी उन्हीं की बनती है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, जो व्यक्ति परिस्थितियों में भी अपनी मर्यादा को अपनी सत्यता को नहीं छोड़ता है, उसका गायन और पूजन भी होता है। इसके भी कई प्रमाण हैं। जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा देखो, राम को देखो, मीराबाई को देखो, मुझे देखो, तो परिस्थितियों की बनती कहानी। तो हर व्यक्ति घर बार नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन परिस्थितियां इंसान को इतना मजबूरन कर देती हैं कि जिस कार्य को हम नहीं करना चाहते परिस्थितियां करा देती हैं। मध्य प्रदेश में छोटा सा गांव था सिंहपुरा, भिंड जिला में आता है मध्य प्रदेश में, वहां हमारा जन्म हुआ। छत्रीकुल में मैंने जन्म लिया, जमींदार घराना था, 4 क्लास पढ़ाई की और 14 वर्ष की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। 1958 में मेरे गांव में एक पंचायती चुनाव हुआ। चुनाव के कारण मेरे गांव में 2 पार्टी हो गई। एक दिन दूसरी पार्टी ने मुझे इतना मारा पीटा कि जीने की आशा न रही। बाद में पिताजी आए, बैलगाड़ी में रखकर मुझे थाने में ले गए। 20 दिन हम अस्पताल में रहे,
ठीक हो गए, अपने गांव में आए तो दोबारा लोग मुझे परेशान करने लगे। तो बदले की भावनाओं को लेकर चंबल घाटी में हम डाकुओं से मिले। डाकुओं ने 12 लोग मेरे साथ में कर दिया। हम 12 लोगों को लेकर अपने गांव में गए, गोली से 6 लोगों को गोली से मार दिया और डाकू बन गए। जो डाकू बन गए तो पकड़ डकैती हमारा धंधा बन गया। जो 25 जिला में हम लोगों का अनुशासन चलता था, 25 जिला में जितने वाहन हैं मेरे ऑर्डर से चलते थे, रेल भी ऑर्डर दे के निकलती थी, सरकार भी हम ही बनाते थे, जिसका सपोर्ट करते थे उसकी सरकार बनती थी। हमारा 1 करोड़ का जो परिवार था, जो आदिवासी जंगलों में रहते 25 जिला में, उनके लोगों की शादी करना, उनको उनके खाने पीने की व्यवस्था करना हम लोगों का काम था। कई मंदिर बनाए, स्कूल भी खोला मैंने। डाकू जीवन में एक स्कूल खोला था जिसमें 17 मास्टर रखे थे, 500 लड़का पढ़ते थे। भारत देश में सबसे बड़े में स्कूल का रिकॉर्ड रहा कि 5 वर्ष के अंदर एक भी लड़का फेल नहीं हुआ। मेरे स्कूल का नियम था कि अगर समय पर टीचर नहीं आया तो 24 घंटा बंद, लड़का भी समय पर नहीं आया तो वो भी 24 घंटा बंद। बिना अनुशासन के राज नहीं चलता है। तो इस प्रकार हमारा 14 वर्ष डाकू जीवन रहा। मिलिट्री की तरह हम लोग जंगलों में रहते थे। सभी के पास 3 NR 3 SLR बंदूक थी। कभी कभी हमारी हेलीकॉप्टर के द्वारा बांग्लादेश से हम लोगों को हथियार आते थे। सैकड़ों बार पुलिस से गोली चली। हम लोग जंगलों में अपना भोजन बनाते थे, पत्थर के चूल्हे बनते थे। अधिकतर मेरे ग्रोह में मालपुआ ज़्यादा बनते थे, जिसमें अंतरी संतरी मंत्री सभी आकर के भोजन करते थे। 1500 लोगों का डेली भोजन बनता था और शेर वगैरह भी बगल में बैठे रहते थे। कभी भी किसी डाकू को शेर ने नहीं सताया, ना हम लोग जानवरों को मारते थे। ये सोचते थे ये भी हमारे शेर के राजा हैं, हम भी जंगल के शेर के राजा हैं। तो आपस में दोस्ती थी, एक दूसरे को कोई नहीं सताता था। डाकू जीवन में मैंने देखा पहाड़ों पर एक मनियारा सांप होता है, उसके पास बहुत मणि होती है, बहुत दूर तक उंजेला देती है, लेकिन कोई मणि को लेना चाहे तो नहीं ले सकता। तो कई चीज़ें हमने जंगलों में देखी आँखों से। और डाकू लोग जो होते हैं वो देवी माँ के बहुत बड़े पुजारी होते हैं। मेरा भी प्रदिन का नियम था, 1 किलो घी का हवन करना, 2000 गायत्री मंत्र का जाप करना, अंगुली काट के खून चढ़ाना, कई मंदिर बनवाए, अपने गांव में भी अखंड जोत जलवाते थे और ये उद्देश्य करते थे। हे माँ, डाकू तो बना लेकिन डाकू भी नंबर वन का बनूं। चंबल घाटी की सत्ता मेरे हाथ में है, सारे भारत की भी सत्ता मेरे हाथ में आना चाहिए। एक दिन मन में आया कि दुर्गा माँ की पूजा करते करते कई वर्ष हो गए, हजारों मन घी का हवन किया, दुर्गा माँ को मैंने आँखों से तो नहीं देखा। एक बार चंबल घाटी में एक गुफा में बैठ करके मैंने 3 रातें और 2 दिन दुर्गा माँ की आराधना की। जब 3 रातें और 2 दिन हो गई, मैंने पानी तक नहीं पिया, न मेरे सामने कोई आया, तो मैं रोने लगा, हे माँ मुझे दर्शन दो, अगर दर्शन देने में असमर्थ हो इससे सिद्ध होता है कि कोई भगवान भगवती नहीं। बाद में मुझे क्रोध आया, क्योंकि उस समय का तो जीवन ही अलग था। मेरे नाम से ही बच्चा रोना बंद हो जाते थे, कुत्ता भूसना बंद हो जाता था, उस समय बड़ी दाढ़ी थी। जब 3 रातें 2 दिन मेरे सामने कोई नहीं आया तो बाद में मुझे क्रोध आया। तो जो हमारे पास मूर्ति थी वे तो पूरी मैंने पत्थर से, और यही संकल्प लिया था कि चंबल घाटी में जितने मंदिर हैं मस्जिद हैं उनको सबको तोड़ूंगा, साधु संतों को मारूंगा, भगवान भगवती का नाम भी लेना बंद कर दूंगा। उस दिन के 11-12 बज रहे होंगे, 12-1, तो बंदूक लेकर के हम जब पहाड़ी पे आए तो मेरे सामने एक सफ़ेद वस्त्रधारी प्रकट हुआ, सफ़ेद धोती सफ़ेद कुर्ता प्रकाशा घूम रहा था। जब मैंने उस सफ़ेद वस्त्रधारी को देखा तो रोंगटे खड़े हो गए, जैसे मैं चरणों के लिए दौड़ा। उस समय आवाज़ हुआ था कि बच्चे तुम धीर धरो, थोड़े दिन के बाद तुम्हारे पास चेतन देवियां आएंगी, वो ले जाएंगी, भगवान से मिलाएंगी।
मेरी समझ में कुछ नहीं आया। आशा को लेकर अपने गृह में आए। थोड़े दिन के बाद लोक नायक जयप्रकाश नारायण सर्वोदय के कार्यकर्ता हम लोगों के पास में आए। उन्होंने कहा कि आप लोग समर्पण कर दो, सरकार आपकी मदद करेगी। हम 550 डाकू ने चमेल घाटी में एक मीटिंग की थी, उसमें प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हमारी 8 शर्तों को मंजूर करेंगी, हम लोग समर्पण कर देंगे। जिसमें पहली शर्त थी किसी डाकू को फांसी न हो, खुली जेल में रखा जाए, बी क्लास का खाना दिया जावे, 30 बीघा जमीन दी जाए, बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई नौकरी दी जाए। 3 शर्तों के आधार पर हम 550, इंदिरा गांधी ने मेरी सभी शर्तों को मंजूर कर लिया। इन शर्तों के आधार पर हम 550 डाकू ने सन 1972 में समर्पण किया था। उस समर्पण की आवाज़ भारत में क्या सारे विश्व में गूंजी थी। समर्पण के बाद फिर हमारे ऊपर मुकदमा चले, जो मेरे ऊपर 100 मर्डर के आरोप थे, 200 पकड़ डकैती के आरोप थे, मुझे फांसी की सज़ा हुई। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने अपील की, राष्ट्रपति ने फांसी की सज़ा को भी आजीवन कारावास में परिवर्तन कर दी। इसके बाद खुली जेल मुंगावली मध्य प्रदेश में मुझे रखा गया। वहाँ पर ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईसरी विश्वविद्यालय की बहन भाइयों को बुलाया और कहा कि आपके विद्यालय को मैं जब ही मानूंगा, आप मेरे डाकुओं को जीवन परिवर्तन करके दिखाओ। तो वहाँ पर सरकार ने ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के लिए रहने के लिए खाने पीने की सारी व्यवस्था की थी। 3 वर्ष तक खुली जेल में ही ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की बहन भाई रहे। वहीं हमने जब ब्रह्मा बाबा का चित्र देखा प्रदर्शनी में, तब मैंने पूछा था कि ये सफ़ेद वस्त्रधारी कौन है। इस व्यक्ति ने मुझे जंगलों में दिन के 12-1 बजे दर्शन दिए थे। तब बहन भाइयों ने बताया था ये ब्रह्मा हैं, इनका तन का आधार लेकर परमात्मा सारे विश्व में गीता ज्ञान दे रहे हैं। तब मैंने पूछा था ब्रह्मा तो हैं, इनका कहीं हमारे वेद शास्त्रों में लेख है। तब बहन भाइयों ने बताया था ब्रह्मा का लेख श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है, 3rd अध्याय में प्रजापिता ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि तुम वृद्धि को पाओगे। आज ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की कितनी वृद्धि हुई है, यह गीता का ज्ञान। वहीं हमको राज्यों की शिक्षा दी गई। इस राज्यों के द्वारा सब 550 डाकुओं के विचार बदल गए और सरकार ने हम लोगों को 8 वर्ष में ही छोड़ दिया था। इतना बड़ा कार्य जो ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय ने करके दिखाया है, इतना बड़ा कार्य किसी ने नहीं किया है। क्योंकि डाकू समस्या हल करने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च किया होगा, लेकिन डाकू समस्या हल नहीं कर पाई। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की बहन भाइयों ने डाकू समस्या चमेल घाटी की हल कर दी है और डाकुओं को विचारों को परिवर्तन करके आप सब लोगों को के सामने लाया है। तो इसके बाद सनसी हमको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद बहने मुझे माउंट आबू ले गई, तो वहाँ भी एक दिन मुझे प्रकाश मय का साक्षात्कार हुआ। उससे मुझे निश्चय हुआ अपने गांव आए, 3 मंजिल का मकान बना के विद्यालय को दान पत्र कर दिया है। हमारी लड़की भी इस विद्यालय में समर्पित है। इस विद्यालय के सदस्य के होने के नाते करीबन हम 18 प्रांतों में कोने कोने में गए हैं और रोज़ हमारे पब्लिक प्रोग्राम होते हैं और सभी करोड़ों लोगों की दुआएं मिल रही हैं। यही हमारे लाने सबसे बड़ा आशीर्वाद है। वैसे भी अब मैंने अपने जीवन में किया कि मनुष्य प्राणी सब प्राणियों का एक राजा होता है, जिसने शेर हाथी को भी कंट्रोल कर लिया है। मनुष्य के विचारों ने संसार बनाया, मनुष्य के विचारों ने टीवी बनाई, मनुष्य के विचारों ने मंदिर बनाया, मनुष्य के विचारों ने पत्थर की मूर्ति बनाई जो 2 लाख की चढ़ौती चढ़वाई। तो हम आपसे पूछते हैं कि मूर्ति बड़ी है कि विचार बड़े हैं? और विचार है चेतन और मूर्ति है जड़। भगवान को जानने के लिए भगवान क्या है? आज संसार में कितने बल्ब हैं? करोड़ों बल्ब। सब बल्बों का कनेक्शन कहां से? एक पावर हाउस से। इसी प्रकार हर व्यक्ति के अंदर शरीर रूपी कमरा में एक आत्म रूपी बल्ब लगा है। इस बल्ब का कनेक्शन काय से है? मंदिर से है, मूर्ति से है। इसका भी कनेक्शन एक परमपिता परमात्मा से है। तो मूर्ति जड़ जो विचार बड़े हैं, तो हमारी ये चेतन देवियां बैठी हैं। मूर्ति बड़ी है कि हमारी चेतन देवियां बड़ी हैं? अभी हमारा उड़ीसा प्रांत में प्रोग्राम चल रहा था,
वहाँ महामंडेश्वर बड़े बड़े शंकराचार्य वगैरह भी आए थे, तो उनके सामने भी ये प्रश्न रखा गया कि मूर्ति बड़ी है कि हमारी ये चेतन देवियाँ बड़ी हैं जिन्होंने डाकुओं के जीवन को परिवर्तन करके समाज में लाया, लाखों लोगों के जीवन को, समाज को, के विचारों को परिवर्तन किया। आज ज़रूरत है विचारों को परिवर्तन करने की। मैंने डाकू जीवन में लोटों पर सोकर देखा, तानाशाही करके देखा, भक्ति करके देखा, हजारों यज्ञ भागवत करके देखा, एक कर्म कांड से शांति नहीं मिली। लेकिन जब तक व्यक्ति अपने विचारों को नहीं बदलेगा तब तक शांति नहीं मिल सकती, ये मेरा प्रैक्टिकल का अनुभव है। आप लोग भी इस विद्यालय में आएं और इस विद्यालय की शिक्षाओं को धारण करें। जब डाकू इस विद्यालय की शिक्षाओं से अपने विचारों को बदल सकते हैं तो क्या आप लोग नहीं बदल सकते? बदल सकते हो। लड़का पहले स्कूल में जाता है तो एकदम तो जज नहीं बनता, जब धीरे धीरे पढ़ करके पढ़ता 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 पर जज बनता है। इसी प्रकार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इस विश्वविद्यालय में शिक्षाएं दी जाती हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से पढ़ता है उसके विचार बदल करके देवतुल्य इंसान का जीवन बन जाता है। तो आप सभी लोग आए, इस विद्यालय की शिक्षाओं को धारण करें। ओम शांति।